Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक generalized reading लेकर आई हूँ जो कि cancer यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक generalized reading है, हो सकता है ये reading आपके साथ completely resonate हो सकता है ये reading आपके साथ partially resonate हो सकता है ये reading आपके साथ बिल्कुल भी resonate ना हो। So, अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो। उस चैनल पर मैं अपनी गाइडेड वीडियोस, एनर्जी शिफ्ट की वीडियोस, लाइफ से रिलेटेड वीडियोस मैं उस चैनल पर डालती हूँ। आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चैनल का, सो डू सब्सक्राइब। रात को 10:30 बजे रोज मेरी एक एंजेलिक गाइडेंस आती है, आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखा कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट डे की एनर्जी का कुछ पता लग पाए, ठीक है, और आप अपनी लाइफ के डिसीजंस उस अकॉर्डिंग बना सके। सो वो दिन की एनर्जी होती है तो रात को रोज 10:30 बजे वो वीडियो आती है, सो मस्ट वॉच दैट। ओके, सो आप देखते हैं December 2021 कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग, वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर असेंडेंट के थ्रू देख रहे हैं तो अपना मून साइन का जॉडिक देखना मत भूलिएगा। ओके, और ये अभी मैं एक जनरल रीडिंग निकाल रही हूँ, उसके बाद मैं आपके अलग अलग स्पेयर्स की रीडिंग निकालूंगी। ओके, सो यहाँ पर क्या एनर्जी निकल कर आती है देखते हैं। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ वंड्स का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहां पर, द हाई प्रिस्टिस का कार्ड है यहां पर, फाइव ऑफ वंड्स का कार्ड है, नाइन ऑफ वंड्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है एंड यहां पर डेथ का कार्ड है। इस महीने में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपकी लाइफ का एक नया साइकिल स्टार्ट होने जा रहा है कैंसर पीपल। और ये जो वक्त है ये मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बेहतरी के लिए बदल रहा है, लेकिन ये वक्त आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। इस दिसंबर के महीने में आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही मिस्टेरिकल चेंजेस होने वाले हैं, अचानक से चीजें बदलेंगी, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे और चीजें अचानक से बदल जाएंगी, अचानक से चेंज हो जाएंगी, अचानक से आप अपना बैलेंस खो देंगे या फिर आप बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करना शुरू कर देंगे, ये सब चीजें अचानक होने वाली हैं। ओके, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। द नेक्स्ट एनर्जी ओवर हियर इज फाइव ऑफ वंड्स का कार्ड है। इस महीने आपके जो विचार हैं वो दूसरों से मिलेंगे नहीं, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज हो सकती हैं, जहां पर आप काम कर रहे हैं या जिन लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं वहां पर लड़ाई झगड़े की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो जब हमें खुद को पता होता है कि हमारी एनर्जी इस तरह की है तो हमें अपनी जो थॉट प्रोसेस है या फिर जो हमारी अपनी थ्योरी है वो हमें दूसरों के ऊपर इम्पोज नहीं करनी चाहिए। जहां कोई आपकी एडवाइस मांगे वहीं पर ही आपको एडवाइस देनी चाहिए। ये आपके लिए इस मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट की स्टेप है, इस चीज को याद रखिएगा। ओके, यहां पर नाइन ऑफ वंड्स का कार्ड है। इस महीने आप काफी डिफेंसिव रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि जो आपके आसपास वाले लोग हैं वो आपको आगे की तरफ को नहीं बढ़ने दे रहे हैं, इरिटेटेड महसूस करेंगे। आप अपने आपको खोलकर किसी के सामने नहीं रखने वाले हैं, आपको ऐसे लगेगा लोग मेरे साथ तो खड़े हैं बट इंटरनली वो मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है, ऐसी फीलिंग्स आपको आ सकती हैं। बहुत ज्यादा इरिटेटेड, थोड़ा सा कॉशियस से चलने वाली एनर्जी यहां पर मुझे नजर आ रही है, आप भरोसा किसी के ऊपर नहीं करते हुए यहां पर मुझे नजर आ रहे हैं।
यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, आप अंदर से बहुत ही ज्यादा इमोशनल रहने वाले हैं, लेकिन आप जो इमोशंस को गो थ्रू करने वाले हैं उसके बारे में आप किसी से डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। आप काफी अथॉरिटेटिव यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, आप अपने जज्बातों को किसी से कहने नहीं वाले हैं, आप क्या फील करते हैं उसके बारे में आप आत्म मंथन करते हुए यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली नजर आ रहे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि इस महीने फाइनेंशियल स्फीयर में, या अगर अभी तक आप स्टेबल नहीं है फाइनेंशियली, अगर करियर वाइज, तो कुछ नया होने जा रहा है आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में। यहाँ पर कुछ नया हो आप करेंगे या किसी प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व होंगे, कोई नया वेंचर स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें आप इमोशनली सैटिस्फाइड अपने आप को महसूस करेंगे। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, इस महीने अगर कोई भी कोर्ट केस आप गो थ्रू कर रहे हैं तो वो आपकी फेवर में होगा। आपकी लाइफ में जो डिले पोस्टपोनमेंट काफी टाइम से चलती आ रही है इस लीगल मैटर की वजह से, वो यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। ये महीना आपको कंप्लीटली बदलने वाला है, आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं, आपकी एनर्जीज चेंज हो जाएंगी। जो ये एनर्जीज हैं ये पॉजिटिव वे में चेंज होगी, मतलब आप इस लर्निंग प्रोसेस में इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे कि आप अपने आप को एक बेटर पोजिशन पर पाएंगे जब ये आपका लर्निंग प्रोसेस खत्म हो जाएगा। इस तरह की एनर्जीज हैं आपके लिए। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि इस महीने आप जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे आप उसी डायरेक्शन में चलते जाएंगे, फोकस्ड इस सेंस में आप रहने वाले हैं। आप अपने जो डिसीजंस हैं उन्हें बार बार बदलते हुए यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, इस तरह की आप लोगों के लिए जनरल एनर्जी है। आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं कि आपके लिए प्रोफेशन की कैसी एनर्जीज हैं दिसंबर 2021, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में किस तरह की एनर्जीज हैं, लेट्स सी दैट। किस तरह की एनर्जीज को आप विटनेस करने वाले हैं, लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहां पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द मून का कार्ड है, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड द हर्मिट का कार्ड है। पहली चीज तो यह है कि जैसे ही महीना स्टार्ट होगा आपको कुछ नया करने वाली ऐसी उम्मीद सी नजर नहीं आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप डाउनफॉल एक्सपीरियंस करने वाले हैं, बहुत ज्यादा टेंस्ड रहेंगे अपनी जॉब को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर, आप बहुत ही ज्यादा अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटीज में घिरा हुआ महसूस करेंगे और ये चीज आपको इमोशनली परेशान करने वाली है। आपके करियर में कुछ टाइम आपका इस तरह से बीतेगा, दिसंबर का आई थिंक 10 डेज आपके इस तरह से बीतने वाले हैं कि आपको ऐसे लगेगा कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। आप बल्कि एक नई डायरेक्शन में मूव करते हुए डेफिनेटली नजर आ रहे हैं, आप एक्शन लेंगे, आप हार्ड वर्किंग हैं, आप हार्ड वर्क करेंगे अपनी जॉब के लिए, अपने करियर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना आपका आउटकम नहीं मिल रहा है। इमोशनली आप अपने काम से सेटिस्फाइड यहां पर मुझे नहीं लग रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरनली अपना पूरा जोर लगाकर आप करने वाले हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, आप एक्चुअली किसी चीज को हासिल करने की कोशिश करने वाले हैं, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, उसमें कोई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की आप कोशिश करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकलती जा रही है, आप उसे ग्रैब नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि इस महीने की एनर्जीज बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जीज होने वाली है, बहुत ही अचानक से वाली एनर्जीज होने वाली है, तो अचानक से आपको एक ऐसा प्रपोजल मिलेगा जिस अपॉर्चुनिटी के पीछे आप भाग रहे होंगे उससे बेटर एक प्रपोजल आप तक आएगा। हो सकता है आपको एक अच्छी जॉब मिले, हो सकता है आपके बिजनेस में कुछ अच्छा शिफ्ट हो, ठीक है। हो सकता है अभी तक आप, अगर आप जॉबलेस हैं तो आप अचानक से एक ऐसी जॉब के अंदर एंटर कर जाएं जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो,
ठीक है। लेकिन जब आप इस पीरियड में होंगे तो आप कुछ वक्त अकेले में जरूर बिताएंगे, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि आप दुनिया से कटते जा रहे हैं और वो वक्त आपको जो आपके लिए अकेले में आ रहा है उसको आप अगर मेडिटेशन में बिताएंगे तो बहुत जल्दी इस अपॉर्चुनिटी को पा लेंगे, ठीक है। तो आप कुछ वक्त अकेले में बिताएंगे जब, तो उस टाइम मेडिटेट कीजिएगा, आपके अंदर एक मैच्योरिटी बढ़ेगी। मैंने कहा ना ये महीना आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, तो डेफिनेटली आपके करियर के रिगार्ड में ये महीना आपको बहुत कुछ सिखाएगा और आप एनलाइटन होंगे। और फिर जैसे ही ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली आप अपने फ्यूचर को एक ब्राइटर पेस पर देख पाएंगे, एक ब्राइटर साइड पर देख पाएंगे। ओके, सो दिस वॉज द एनर्जी रिगार्डिंग योर प्रोफेशन। आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं हेल्थ की टर्म्स में ये महीना किस तरह का रहने वाला है। हेल्थ की टर्म्स में दिसंबर 2021 कैंसर पीपल आप लोगों के लिए किस तरह का होगा। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर कैंसर पीपल फॉर हेल्थ फॉर दिसंबर 2021। तो यहां पर बॉटम ऑफ द डेक पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एट ऑफ कप्स का कार्ड है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो हेल्थ की टर्म्स में भी एनर्जी चेंज हो रही है आपके लिए, ठीक है। साइकिल चेंज होने जा रहा है। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस की एनर्जीज की तरफ को होंगे, आपके एनिमीज ज्यादा बनने वाले हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और कोई इंसान आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी को इम्पोज कर सकता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। आप सोचेंगे बहुत ज्यादा, आपको पता नहीं लगेगा कि आपके अराउंड सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है, आपकी हेल्थ डिटेरियरेट होगी, आपको अलग अलग तरह के सपने आएंगे, आप अंदर से डरे हुए एंजाइटी की एनर्जी में खुद को फील करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि जो चीजें आपके पास हैं वो आपको कंटेंटमेंट नहीं दे रही हैं, आप आउट ऑफ बैलेंस जाते हुए नजर आ रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है लेकिन मैं अपनी हेल्थ की वजह से अपने पोटेंशियल के अनुकूल काम नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। इस तरह की एनर्जीज को आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ठीक है। आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, अलग महसूस करेंगे, तो इस वजह से आपकी हेल्थ खराब होती हुई नजर आ रही है। अगर आपकी हेल्थ पर कुछ भी असर पड़ता है, कोई भी ऐसी चीज हो रही है जो बहुत ही अनयूजुअल सी है, तो आप पहले तो डॉक्टर को चेक करवाइए। अगर आपको दवाई भी नहीं लगती है तो किसी प्रोफेशनल हेल्प की आपको जरूरत है तो प्रोफेशनल हेल्प जरूर लीजिएगा, ओके। तो अब देखते हैं कैंसर पीपल आपकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है दिसंबर 2021। आपकी लव लाइफ की एनर्जीज में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है दिसंबर 2021, आपकी लव लाइफ की एनर्जीज में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर लव लाइफ फॉर कैंसर पीपल। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक पर एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द हेरोफेंट का कार्ड है यहां पर, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। इस महीने आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, डेफिनेटली कैंसर पीपल बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप। द चैरियट का कार्ड है, द हैंडमैन का कार्ड है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो कैंसर पीपल ये महीना आपकी लव लाइफ में, आपके इमोशनल टर्म्स में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल वाला महीना होने वाला है। आपके पार्टनर, अगर आप दोनों सेपरेटेड जोन में हैं तो कोई कम्युनिकेशन नहीं बनेगा। अगर आप नॉन सेपरेटेड जोन में हैं तो आपको आपके पार्टनर आपसे दूर जाते हुए नजर आएंगे, आपके पार्टनर आपसे एक डिस्टेंस बनाने वाले हैं। आप इमोशनली 90% ड्रेन्ड महसूस करेंगे, आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागने वाले हैं, चेजिंग मोड पर यहाँ पर आप मुझे नजर आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रोकन आप महसूस करेंगे और
आप अपनी लव लाइफ के लिए फाइट बहुत ज्यादा करने वाले हैं, अपने आप को प्रूव करने की आप पूरी कोशिश करेंगे, बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, आप अपने इमोशंस को साइड पर रखकर इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपके सभी एफर्ट्स वेन में होंगे, आपका ये रिलेशनशिप नहीं बच पाएगा, ये रिलेशनशिप हैंग पोजिशन पे पहुंच जाएगा, आप जितने भी एफर्ट्स लगाएंगे उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको इसमें गाइडेंस की जरूरत है, आपको आपकी लव लाइफ के रिगार्ड में एडवाइस की जरूरत है, आपकी लव लाइफ के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले हैं जिसकी वजह से अचानक से चीजें बदल जाएंगी, अचानक से आपके पार्टनर चेंज हो जाएंगे, उनका रवैया आपकी तरफ बदलने लगेगा, आपके पार्टनर आपके साथ बिल्कुल भी स्टेबल मोड पर नहीं रहेंगे, वो इस रिश्ते से भागने की कोशिश करेंगे, आप तो अपनी पूरी कोशिश करने वाले हैं कि रिलेशनशिप स्टेबल हो, रिलेशनशिप में अपना 100% देंगे, आप अपने आप को प्रूव करेंगे, लेकिन उस चीज का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपके पार्टनर आपके जज्बातों को यहां पर समझते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आने वाले हैं, और जब ऐसे चेंजेस आए तो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए आप या तो उन्हें मैनिफेस्ट कीजिए। अगर बाकी वीडियोस से आपको कोई और ब्लॉकेज नजर आती है तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिएगा। और सिंगल्स के लिए, आपकी लाइफ के अंदर कोई पर्सन एंटर कर सकता है, दैट विल बी एन अरेंज सॉर्ट ऑफ मैरिज, और मैरिज की एनर्जीज तक आपका ये रिलेशनशिप पहुंचेगा, ठीक है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपको टाइम मिलेगा या आप बात करेंगे या फिर बीच में कुछ लव क्रिएट होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई पर्सन आपको सोशल मीडिया से मिलेगा, ठीक है, किसी मैट्रिमोनियल साइट से भी मिल सकता है, और उसके साथ डायरेक्ट आपकी मैरिज फिक्स होगी। इस तरह की एनर्जी है आपकी लव लाइफ के लिए। अब देखते हैं आप फ्यूचर में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्या दिसंबर के महीने में आपको वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या आप कोई घर परचेज कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, तो हाउसिंग एंड इन्वेस्टमेंट की एनर्जी क्या रहने वाली है दिसंबर के महीने में आपके लिए, देखते हैं व्हाट आर द एनर्जीज, क्या एनर्जीज रहने वाली हैं फॉर हाउसिंग एंड फाइनेंसेस। ओके, थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, टू ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, सो इस मंथ आप डेफिनेटली अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इस मंथ अपने फाइनेंसेस को कहीं ना कहीं लगाने की कोशिश करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करें, जो कि अच्छी चीज है, और उस पर आपको अपना कंट्रोल बनाना है, आपको डिसीजन अपने हाथ में लेकर रखना है। लेकिन अगर आप ये बात किसी और के साथ शेयर करेंगे कि आप फ्यूचर में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वहां पर जो थर्ड पर्सन है वो आपके इस डिसीजन में इंटरफेरेंस शो करेगा, और जब इसमें इंटरफेरेंस होगी तो आपका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इस वजह से अपने फाइनेंसेस को लेकर जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने लेवल पर आपको वो इन्वेस्टमेंट करनी होगी। यहाँ पर जितना आप इन्वेस्ट करेंगे अच्छा आउटकम आपको मिलेगा। आप अपना यहाँ पर कोई घर या प्रॉपर्टी लेते हुए तो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, बट हाँ आप यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो लॉन्ग टर्म कीजिएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है। ओके, सो आई होप आपको हाउसिंग एंड इन्वेस्टमेंट की एनर्जी क्लियर हो गई हो। अब देखते हैं जो लोग स्टडी कर रहे हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं उनके लिए दिसंबर 2021 की एनर्जी किस तरह की है। जो लोग स्टडी कर रहे हैं उनके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये एनर्जीज किस तरह की है दिसंबर 2021, किस तरह की एनर्जीज है। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स जजमेंट का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द मून का कार्ड है, द हेरोफेंट का कार्ड है, एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। सो जो स्टडी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि इस महीने आप बिल्कुल भी फोकस्ड मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, आप बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करते हुए नजर आ रहे हैं,
आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे दो सिचुएशंस के बीच में, आपको पता नहीं लगेगा कि आपको अपने लिए क्या ऑप्ट करना चाहिए, आपके पढ़ने का तरीका सही नहीं होने वाला, फोकस में कमी है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और है, आप ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े देखेंगे, उसके लिए उतनी मेहनत करते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, इमोशनली आप स्टेबल नहीं होंगे। आपके सामने अपॉर्चुनिटी होगी, लाइक अगर आप जॉब के प्रमोशनल एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी होगी, आप उसे ग्रैब नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर स्टडी में कुछ ज्यादा अच्छा करते हुए आप नजर नहीं आ रहे हैं, डिले पोस्टपोनमेंट की एनर्जी चल रही है। तो अगर ये आपका लास्ट आपके पास ऑप्शन है कॉम्पिटिटिव देने का, तो इस टाइम पर अगर आप उस चीज को टाल सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। आपको अभी के टाइम पर कॉम्पिटिटिव नहीं देने चाहिए क्योंकि आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये चीज़ है कि आपको फोकस बनाना पड़ेगा, और फोकस के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, सो यहाँ पर मेडिटेट करना आपके लिए ज़रूरी है, और जो आपकी स्टडी में कोई एक्सपर्ट है उसकी एडवाइस लीजिए कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। खुद ब खुद आप इस टाइम पर प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। ओके, सो आई होप आपको आपकी स्टडी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं इस मंथ आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हो जाएं, स्टेबलाइज हो जाएं। क्या आपको मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है, व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है। कैंसर पीपल फॉर डिसम्बर 2021, तो पहला कार्ड यहाँ पर केयर एंड कंपैशन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज लॉर्ड शिवा का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज सोल फ्लेम का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर टीचर अवेकन्स का कार्ड है। तो इस मंथ कैंसर पीपल, आप लोगों को दूसरों की मदद करनी है, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ लर्निंग स्टेज। जब आप बहुत कुछ सीखते हैं तब आप उसमें, जब आप लोगों की हेल्प करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस और ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। आपको प्यार से लोगों के साथ डील करना है, आपको वो करना है जो सबके लिए सही है और दूसरों की मदद करनी है। यहाँ पर लॉर्ड शिव का कार्ड है, आपको पूरे मंथ में शिव जी की आराधना करनी है, अपनी इनर फोर्स को पहचानना है, अपने रिदम को यूनिवर्स के रिदम के साथ मैच करना है, और आपको गाइडेंस डेफिनेटली मिलेगी। मंडे के दिन पर आपको व्हाइट कलर की चीज़ों का दान करना है, आटे का दान, चीनी का दान, या फिर आप चावल का दान कर सकते हैं, व्हाइट कलर के कपड़े डालने हैं, शिव जी के मंदिर जाइए मंडे के दिन पर, ठीक है। और जो मेरी मंडे की डेली एंजेलिक गाइडेंस आती है रात को, वो आपको डेफिनेटली देखनी है, उसके अंदर जो भी उपाय मैंने बताए होंगे इसके अलावा वो भी आपको करने हैं। यहाँ पर कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है, जैसे कि मैंने आपको कहा ये आपका एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें आपको जो ये पर्टिकुलर सिचुएशन चल रही है इसे आगे की तरफ को मूव करना है, अपना रास्ता खुद बनाना है, आपको अपने लिए अच्छी एनर्जी का चुनाव करना है। ओके, इस तरह की एनर्जी है। यहाँ पर फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है, आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचिए और अपने जो सोच है उसे बहुत ऊंचा रखिए, ठीक है। आपके लिए हर एक चीज संभव है, इल्यूजन की एनर्जी से बचिए। इल्यूजन की एनर्जी से बचने के लिए आपको वेडनेसडे को राहु का जाप करना है। वेडनेसडे को रात को 8 बजे के बाद आप राहु का जाप करेंगे, 1 माला 3 माला या 5 माला, या अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप जितनी माला कर सकते हैं उतनी माला आप कर सकते हैं, लेकिन रात के टाइम पर इसको करना है। और जो मेरी वेडनेसडे की डेली एंजेलिक गाइडेंस है उसमें जो भी मैं उपाय बताऊंगी इसके अलावा वो भी आपको फॉलो करने हैं। यहाँ पर सोल फ्लेम का कार्ड है, इस महीने जैसे कि आप एक लर्निंग मोड पर हैं तो आप बहुत कुछ सीखने तो वाले हैं, लेकिन आपके रिलेशनशिप में आपको कैसे जीना है, आप इस रिलेशनशिप के लिए जो कुछ भी एफर्ट लगाने वाले हैं उससे जो आपने अपने आप से खोया है ना वो आप वापस पा लेंगे। तो इसलिए अपने रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स लगाइए और अपने सोल के साथ इस तरह का आपको कनेक्शन बनाना है जिस तरह से श्री राधा जी का श्री कृष्ण जी के साथ था। तो अपने सोल को समझने की भी इस मंथ में आपको कोशिश करनी है।
यहाँ पर टीचर अवेकन्स का कारण है। आपने जो कुछ भी अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वो आपको दूसरों के साथ शेयर करना है, लेकिन फ्री एडवाइसेस नहीं देनी है। जब आपसे कोई एडवाइस मांगेगा तो आपको अपनी एडवाइस देनी है, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनना है और किसी भी कारण से रुकना नहीं है। आप जिस पाथ पर चल रहे हैं आप उस पाथ पर आगे की तरफ को बढ़ते जाइए, आप सही रास्ते पर हैं। आप ये मत सोचिए कि आपके लिए एनर्जीज नेगेटिव हैं, लर्निंग का रास्ता इसी तरह का होता है। सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन के। व्हाट आर द ब्लेसिंग्स, व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन फॉर कैंसर पीपल फॉर डिसेंबर 2021। व्हाट आर द मैसेजेस, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन फॉर कैंसर पीपल फॉर डिसेंबर 2021। क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की। ओके, यहां पर दो कार्ड्स हैं, हियरिंग मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट, ब्रेकिंग बैरियर्स का कार्ड है, कमिंग इनटू पावर का कार्ड है, मेंडिंग ब्रिजेस का कार्ड है और बॉटम ऑफ द डेक पर प्लांटिंग सीड्स का कार्ड है। ठीक है, तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको क्लियर चैनल्ड मैसेजेस आएंगे स्पिरिट से। ठीक है, तो उन मैसेजेस को सुनने के लिए आपको कुछ वक्त के लिए मेडिटेट जरूर करना है। ठीक है, और जो भी मैसेजेस आपको आए, चाहे आपकी मेडिटेशन में आए, चाहे आपके ड्रीम्स में आए, आपको उन्हें फॉलो भी जरूर करना है। इग्नाइटिंग करेज का कार्ड है, आपको एक्शन में रहना है, अपने आप को स्टॉप नहीं करना है, स्ट्रांग बनना है, वेलिएंट बनना है और करेजियस बनना है। अपनी सिचुएशन से हारना नहीं है, अपने आप को लिमिट नहीं करना है, आपको अपने आप को एक्सपैंड करना है। अपने ऊपर अगर लिमिटेशंस लगाएंगे तो अपनी जिंदगी को जी नहीं पाएंगे, तो अपने आप को ग्रो कीजिए, सेल्फ ग्रोथ बहुत जरूरी है। अब आपको पावर में आना है और कॉन्फिडेंटली और बोल्डली आपको आगे की तरफ को मूव करना है। अगर आप अपने पावर को मेंटेन करके रखेंगे तभी आप चीजें सीख पाएंगे। अगर आप हार जाएंगे, अगर आप थक जाएंगे तो आप चीजों को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मेंडिंग ब्रिजेस का कार्ड है, आप एक छोर से दूसरे छोर की तरफ को बढ़ रहे हैं, तो इसलिए जो पास्ट है उसे भूल जाइए, जो फ्यूचर है उसकी तरफ को देखिए और अपनी एनर्जीज को मेंड करते हुए आगे की तरफ को बढ़िए। आगे आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ओके, सो ये एक ब्लेसिंग है, आपको एडवाइस भी है और एक ब्लेसिंग भी है। यहाँ पर प्लांटिंग सीड्स का कार्ड है। इस मंथ में अपने कर्मा पर ध्यान जरूर रखिएगा, जो अब आप बीजेंगे वही आप पाएंगे। आप जो अब सीखने जा रहे हैं उसी का ही रिवॉर्ड आपको फ्यूचर में मिलेगा, तो इसलिए अपनी लर्निंग स्टेज में अपने अराउंड ऑब्स्टेकल्स खड़ी मत कीजिए, अपने आप के आगे बैरियर्स खड़े मत कीजिए। अपने आप को रिसीविंग मोड पर रखिए, अपने आप को सरेंडर्ड मोड पर रखिए। ओके, सो आई होप कैंसर पीपल आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।